हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप इस मार्केट में हो तो आपको अपने ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप शारीरिक मेहनत करते हैं उससे थकान नहीं होता है, लेकिन आप जो मानसिक मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा थकान होता है। तो हम जो कोई निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कि अनेक संभावनाओं और विमर्श करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचना नहीं निकल आता है। अब हम लोग इस मार्केट में जब रहते हैं तो बहुत सारे निर्णय होते हैं, किसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, किसी को अनएक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर हम लोग मान लीजिए कोई शेयर परचेज करते हैं, अगर उसका भाव नीचे चला जाता है तो हम लोगों को लगता है शायद काश इसको ऊपर के लेवल में बेच दिए होते तो बहुत अच्छा रहता। अगर कोई शेयर नीचे रहता है और ऊपर चला जाता है तो हम लोगों को लगता है शायद इसको परचेज कर लिए होते तो बहुत अच्छा रहता। तो इस तरीके से आपका डिसीजन पावर आपको हर्ट करता है, जिससे बहुत आपकी एनर्जी खाली हो जाती है। तो शारीरिक मेहनत से आदमी कम थकता है, यानी जो आप मेहनत करते हैं, जिम जाएंगे, कोई मेहनत करेंगे या मेहनत वाला काम करेंगे, उससे कम थकान होती है। लेकिन जो आप डिसीजन बार बार चेंज करते हैं उससे ज़्यादा थकान होती है। और किसी दिन ऐसा भी होगा जिससे आप इस मार्केट से बाहर चले जाएंगे। आप जानबूझ के इसको सारे सोल्ड कर दीजिएगा और बाहर चले जाइएगा। आप भले ही कहे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, लेकिन जब आपको बार बार अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है, कभी शेयर ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी लगता है बेच दे, कभी लगता है खरीद ले, कभी लगता है नुकसान हो रहा है, कभी फ़ायदा हो रहा है, जिससे आपका जो दिमाग में डोपामिन बहुत हाई लेवल पर पहुँच जाता है, जिससे आपको किसी चीज़ में काम करने में भी मन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने ऊपर नज़र रखिए। अगर ऐसी बात हो रही है तो आप ज़्यादा न्यूज़ ना देखिए, ज़्यादा वीडियो ना देखें, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होंगे तो आप कुछ पैसा कमा सकते हैं, बाकी शॉर्ट टर्म में तो आप कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। अभी बुल मार्केट है इसलिए आप कमा लेते हैं, लेकिन बुल मार्केट जैसे ही बंद होगा, कभी कभी बियर मार्केट भी तो आएगा ही आएगा, उस समय आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी और उस समय आप टिक नहीं पाइएगा। धन्यवाद।